जी कथा सुना सुनाते हम आपको कभी कभी इतिहास सुनाने लगते हैं। तो कथा के बीच में थोड़ा सा इतिहास भी हो जाना चाहिए। कथा तो राम जी की है, कथा हमको आनंद देती है और इतिहास हमें मजबूत बनाता है, एकदम पूरी तरह से मजबूत बनाता है। और जो लोग अपना इतिहास भूल जाते हैं वो खत्म हो जाते हैं। जो जाति अपना इतिहास भूल जाती है वो समाप्त हो जाती है। तो ये जो इतिहास है, ये जो यूनिवर्सिटियों में पढ़ाया जा रहा, या कभी कभी शुरू से मेरे मन में था कि गलत है, कुछ कुछ गलत है। और जब मैं पढ़ने गया यूनिवर्सिटी में, हमारे जो इतिहास के प्रोफेसर थे, जब मैं उससे सवाल किया, जब वो जवाब नहीं दे पाए क्योंकि अंदर से कम्युनिस्ट थे और कम्युनिस्टों से झूठा तो कोई होता नहीं संसार में, ये बड़े झूठे होते हैं कम्युनिस्ट लोग। तो जब वो जवाब नहीं दे पाए तो कहा मैं तुम्हें नहीं पढ़ाऊंगा, तुम क्लास से निकल जाओ। तो उन्होंने मुझे जो है क्लास से निकाल दिया, पढ़ाया नहीं। और फिर मैं भी गुस्से में आया, मैं कहा कि मैं पढ़ूंगा भी नहीं इनसे। मैं स्वयं अपने से पढ़ना शुरू किया, खोजना शुरू किया कि हमारा इतिहास क्या है और हर रोज का इतिहास क्या है। मैंने इस ढंग से तैयारी की, पढ़ाई की। तो कभी कभी कथा में आपसे मैं चर्चा करता हूं अपने इतिहास के बारे में, हमारा इतिहास क्या है। तो ये जो दिसंबर का महीना होता है ना, मेरे लिए मानसिक रूप से बहुत दुखदाई रहता है, बहुत ही दुख का दिन रहता है दिसंबर मेरे लिए। क्योंकि दिसंबर के महीने में ऐसी ऐसी घटनाएं हुई हैं, सनातन धर्म पर इतना अत्याचार हुआ है और सनातन धर्म के लिए इतने लोगों ने अपना बलिदान दिया लेकिन अपना धर्म नहीं छोड़ा। हमारे जो पूर्वज हुए, हमसे पहले जो थे हमारे पूर्वज, इस सनातन धर्म को, हिंदुत्व को बचाने के लिए अपनी गर्दन कटवा दी है इस महीने में। तो मेरे लिए बहुत ही दुख का समय होता है ये, जब मैं सोचता हूं। तो आज दो घटनाएं बताता हूं। गुरु गोविंद सिंह के दो बच्चे, उनको चार बच्चे थे, और उनको जो है चार साहबजादे के नाम से बुलाया जाता है, हम लोग इसी नाम से उनको जानते हैं। दो बच्चे तो लड़ाई में मार दिए गए और उनके जो दो बच्चे थे, दूसरे जो छोटे थे, उनको सरहिंद के नवाब ने पकड़ लिया। पकड़ लिया गुरु गोविंद सिंह के बच्चों को और उनकी आजी के साथ पकड़ा, बड़ी मां के साथ, और पकड़ के ले गए। रात भर उनको एक ठंडे कमरे में रखा। एक तोरण था, एक एक मीनार थी, उस पर चारों तरफ से हवाएं आती थी, ठंडी का समय था, दिसंबर का महीना आप जानते हैं। उसके ऊपर, मीनार के ऊपर उनको रखा गया जिससे रात भर ठंडी लगे। तो रात भर माताजी और गुरु गोविंद सिंह के दोनों बच्चे रात भर ठंड में रहे। और सुबह होते ही इसी दिसंबर के महीने में, 26 दिसंबर को, उनको जो है माताजी को उसी मीनार से, उसी तोरण से नीचे फेंक दिया गया, उनकी हत्या कर दी गई। और हम बहुत सुनते हैं मेत्सल मौत। मेत्सल मौत का मतलब है किसी को दीवाल में बंद करके जिंदा, उसको दीवाल से चिपका करके ईंटें लगा के मार देना। तो बहुत सुनते हैं, लेकिन जो सबसे पहली घटना हुई दुनिया दुनिया में मेत्सल मौत की, गुरु गोविंद सिंह के दोनों बच्चों के साथ हुआ। जब सरहिंद के नवाब के पास दोनों बच्चों को ले जाया गया 25 और 26 दिसंबर को, तो क्या कहा जाए। नवाब पूछता है, तुम इस इस्लाम स्वीकार करते हो, मुसलमान बनोगे?
गुरु गोविंद सिंह के दोनों शेर बच्चे ने कहा, सत श्री अकाल, नारा दिया, कहा हम कभी भी इस्लाम को स्वीकार नहीं करेंगे। कहा तुम मारे जाओगे, कहा मरने के लिए तैयार है। तो दोनों बच्चों को 26 दिसंबर की रात, 25 दिसंबर की रात से लेकर के 26 दिसंबर तक सताया गया। और जब वो मुस्लिम नहीं बने तो दोनों बच्चों को जिंदा दीवाल में ऐसे बंद कर दिए, खड़े करके चारों तरफ दीवाल बना दी गई और दोनों बच्चे सत श्री अकाल कहते हुए तड़पते हुए अपने प्राण त्याग दिए। तो जब 25 और 26 दिसंबर आता है और जब मैं सोचता हूं कि दो छोटे बच्चे जिनको चारों तरफ से दीवार बना करके बंद कर दिया गया और वो सत श्री अकाल कहते हुए अपने प्राण को त्यागे होंगे, कितनी पीड़ा हुई होगी गुरु गोविंद सिंह को, कितनी पीड़ा हुई होगी जब वो इस बात को सुने होंगे। हमारे गुरु गोविंद सिंह धर्म की रक्षा के लिए अपने चारों बच्चों की प्राणों की आहुति दी, अपने प्राणों की आहुति दी और हिंदुत्व को, सनातन धर्म को बचाया। तो जब दिसंबर का महीना आता है तो बड़ी पीड़ा होती है, इसलिए दिसंबर के महीने में मैं जल्दी कोई उत्सव नहीं मनाता, मैं कोई उत्सव नहीं मनाता। और फिर 21 दिसंबर से 26 दिसंबर तक तो मेरे लिए बहुत पीड़ादायक होता है, मैं नहीं मनाता।